हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्लॉग। चलिए साथ में एक जगह को एक्सप्लोर करते हैं। धार्मिक तो है ही, साथ में एडवेंचर एक्टिविटीज प्लस ट्रैकिंग के लिए भी बेहद मशहूर है। और ये जगह है शिमला से महज 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नारकंडा शहर में। इसके सराउंडिंग लोकेशन में ही है वो जगह जहाँ की हम आज बात करेंगे। इस मेन सिटी से उस जगह की दूरी है महज 8 किलोमीटर। नारकंडा का मेन टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है ये जगह हाटू पीक। हाटू पीक जाने के लिए या तो 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग की जा सकती है या फिर बाइक और कार में आप जा सकते हैं। दिस रोड लीड्स टू हाटू पीक। ये सड़क सिंगल ट्रैक पे बना हुआ है तो जरा डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए ड्राइव कर पाना जो पहली बार ऐसी पहाड़ियों पर ड्राइव करने आए हो। वैसे अगर आप एडवेंचर के दीवाने हैं तो ये सड़क आपका वेलकम करते हुए नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे मोड़ हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि सच में आप एडवेंचर एक्टिविटी ही कर रहे हैं। और यकीनन आसपास के जितने भी खूबसूरत नज़ारे आपको मिलेंगे वो आपकी इस जर्नी को सच में बेहद खूबसूरत बना देंगे। फाइनली आधे घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए हाटू पीक। हाटू पीक को और ज्यादा फेमस बना दिया है यहाँ के मंदिर ने, जिसे लोग माँ काली का मंदिर भी कहते हैं। देखने में ये जगह सच में बेहद खूबसूरत है, एक तो इसके मंदिर के कारण, दूसरा आसपास के जितने भी सराउंडिंग में जंगल है ना वो भी बेहद खूबसूरत लगते हैं। स्पेशली कॉनिफर के जो पेड़ है या फिर मैपल के पेड़ हो या फिर बात कर ली जाए ओक ट्री के बारे में, इस मंदिर को सच में बेहद खूबसूरत बना देते हैं। ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है नारकंडा से जस्ट 8 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन जितना खूबसूरत है ना, लोग यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए तो आते ही आते हैं, साथ में उनका एक रिचुअल जो मान्यताएं है वो भी यहाँ पे लेकर आती है। हर साल मई के फर्स्ट संडे को यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा फास्ट आयोजन होता है, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से इस बार नहीं हुआ। बट फिर भी लोगों का रश इतना ज्यादा है ना कि नहीं कह सकते, क्योंकि शायद मान्यता इतनी है। सबसे बड़ी बात की है माँ काली का मंदिर, और दूसरी बड़ी बात कि हाटू पीक शिमला का दूसरे नंबर पे हाईएस्ट पीक है। वैसे अनलॉक होने के बाद यहाँ पे लोग आने शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट संडे के दिन काफी ज्यादा रश होता है, देन आई चूज सैटरडे टू गो ओवर हियर, बट उस दिन भी लोग काफी ज्यादा थे। अकॉर्डिंग टू लोकल बिलीव्स कई लोग ये भी मानते हैं कि ये मंदिर माता मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी उनके नाम पर भी बनाया गया है। इस मंदिर की जो खासियत है ना वो इसका आर्किटेक्ट है, लाइक वुडन से जो इतना ज्यादा अच्छा काम किया गया ना वो देखते ही बनता है सच में। इस मंदिर की कुछ ही दूरी पे देखने को मिलेगी आपको ये जगह। गेस व्हाट, मेरे पीछे क्या है? एक ऐसी मान्यता कि यहाँ पांडवों के जब अज्ञातवास पड़ा था उनका, तो उन्होंने इसी चूल्हे पे खाना बनाया था। आई डोंट नो इस पे कितना ज्यादा फैक्ट है, बट लोगों की मान्यता यही। सच में बहुत अमेजिंग है ये रॉक्स, और लोकल बिलीव इसे भीम का चूल्हा भी कहते हैं। अमेजिंग। अपने पास कुछ ऐसी चीजें रखें जहाँ पे आप अपने थ्रो आउट करने वाली चीजों को स्टोर कर रखें, और जब आपको कोई डस्टबिन मिले समीक्षा की वहीं पे रखें। बिकॉज हम क्या होता है ना कि जब अपने साथ लेके आते हैं तो बहुत सारे खाने पीने की चीजें भी लेके आते हैं, बिकॉज इट्स अ ट्रैकिंग यू नो, बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब भी वो खाली पेपर्स हो रैपर्स हो आप उन्हें उनके ही जगह पे थ्रो आउट करें। ये था मेरा हाटू पीक का सफर। आई होप एंड प्रे कि सब कुछ जल्दी ही नॉर्मल हो जाए। अगर कभी आप शिमला आए तो इस जगह को चेकआउट करना ना भूलें, बिकॉज सच में हेवनली ये जगह बहुत खूबसूरत है।